हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12वीं के बाद इंडियन नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कितने प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बता दें, 12वीं के बाद आप इंडियन नेवी को तीन तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों जानेंगे तीनों तरीकों को। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। इंडियन नेवी को ज्वाइन करने से रिलेटेड आपके इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तरीके की बात की जाए, SSR एग्ज़ाम। अगर आप 12वीं पास हो मैथ सब्जेक्ट से, इसमें आपको मैथ सब्जेक्ट होना ज़रूरी है SSR में। दोस्तों अगर आप 12वीं मैथ से पास हो तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसमें 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। और दोस्तों एज लिमिट की बात की जाए तो 17 से 19 साल आपसे एज मांगी जाती है। और आप 12वीं पास हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका फिजिकल, फिर मेडिकल, और आप ये सब क्लियर कर लेते हो तो आप इंडियन नेवी SSR के ज़रिए इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों एक टेक्निकल जॉब होती है, टेक्निकल एंट्री होती है, और SSR नॉन टेक्निकल एंट्री होती है। दोस्तों में आपकी सैलरी भी ज़्यादा होती है और SSR में सैलरी भी थोड़ी कम होती है। से सिर्फ 8000 कम होती है, लगभग 6 से 8000 तक ही कम होती है, इतना ही अंतर होता है दोनों की सैलरी में। दोस्तों डबल ए होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस फुल फॉर्म, और SSR की फुल फॉर्म में सीनियर सेक्रेटरी रिक्रूट। डबल ए में आपको सारे काम, टेक्निकल काम दिए जाते हैं, और SSR में नॉन टेक्निकल काम दिए जाते हैं। और दोस्तों प्रमोशन की बात की जाए तो डबल ए में फास्ट प्रमोशन होते हैं, SSR में थोड़े धीमे प्रमोशन होते हैं। डबल ए में आपको 20 साल सर्विस करनी पड़ती है, और SSR में आपको 15 साल सर्विस करनी पड़ती है। अब दोस्तों SSR से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात की जाए दूसरा तरीका इंडियन नेवी MR एग्ज़ाम। दोस्तों अगर आप इंडियन नेवी MR एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ 10वीं पास मांगा जाता है, और एज लिमिट लगभग वही रहती है 17 से 19 साल, या इसमें 19 हो जाती है। दोस्तों इतना ही फ़र्क रहता है लगभग। आप इसकी इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट से चेक भी कर सकते हो, लगभग 17 से 19 या 19.5 ही रहता है। अब दोस्तों MR को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसमें आप 10 किसी भी सब्जेक्ट से 10 पास होना चाहिए। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हो तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और जिसमें आपसे मैथ, इंग्लिश, GK पूछे जाते हैं। अगर आप MR का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपका फिजिकल, फिर मेडिकल, और अंत में आप MR ज्वाइन कर सकते हो। तो MR में दोस्तों आपसे सिर्फ कुक का काम करवाया जाता है, खाना परोसने का, साफ सफाई, ऐसे काम करवाए जाते हैं MR में। और दोस्तों MR की सैलरी की बात की जाए तो MR में जो आपकी सैलरी होती है वो 22000 से लेके 50000 के बीच होती है। दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी 22000 होती है, और एंड तक आपकी 50000 पहुँच जाती है। अगर दोस्तों आपके प्रमोशन भी हो जाते हैं तो आपकी सैलरी 70000 तक पहुंच जाती है। MR से आपको SSR बना दिया जाता है, जिसमें आपकी सैलरी और हाई हो जाती है। तो दोस्तों तीसरा तरीके की बात करें, अब तीसरा तरीका है म्यूजिशियन। इंडियन नेवी में एक म्यूजिशियन की अलग से वैकेंसी आती है। SSR की दोस्तों साल में 2 बार, और MR की भी साल में 2 बार, लेकिन म्यूजिशियन की कोई फिक्स नहीं होती है, 1-2 साल में 1 बार ही निकलती है। इसमें आपको कोई भी म्यूजिक यंत्र बजाना आना चाहिए। इसमें आपसे म्यूजिक सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और आप 10वीं पास हो तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 10वीं पास और किसी भी म्यूजिक यंत्र बजाने का आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आप बजा लेते हो, किसी भी म्यूजिक के क्षेत्र में आपने कोई उपलब्धि हासिल की है और सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिसके ज़रिए आपको इंडियन नेवी में म्यूजिक का काम दिया जाएगा। वहाँ पर विभिन्न प्रोग्राम होते हैं, उनमें म्यूजिक बजाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों हमने जाना कि आप 12वीं के बाद इंडियन नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, हमने तीन तरीके जाने। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।